तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग तो गए आज हम लोग वापस से खेल रहे हैं रोक निंजा हीरो गेम एंड यार आप लोगों को तो पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने जो है अपना मतलब पुलिस के लिए टेस्ट दिया था एंड उसमें हम लोग पास हो गए थे बहुत ही अच्छे तरीके से वेल well गाइज़ आज की वीडियो में शायद हम लोग को पुलिस कार मिल जाएगी एंड हम लोग अपने मतलब पुलिस मैन बन जाएंगे दोबारा से मतलब फर्स्ट टाइम तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ दी थी भाई क्योंकि वो सिटी में थोड़ी दिक्कत सी थी इसलिए तो मैंने फर्स्ट टाइम ये जॉब छोड़ी थी एंड इस बार मैं रेडी हूँ गाइज पूरे तरीके से सो so, अभी मैं वेट करने वाला हूँ कि हम लोग को क्या भाई पुलिस कार मिलेगी वेल लास्ट टाइम मुझे दो सौ तो मिल गए थे बट अभी मतलब पूरे तरीके से मुझे पुलिस मैन घोषित नहीं किया गया है सो इसीलिए मैं वापस से जाने वाला हूँ उसी सिटी में एंड जाके वहाँ के जो मतलब जनरल हैं जनरल तो नहीं बोलेंगे कमिश्नर साहब से बात करते हैं एंड कौन सी सिटी थी भाई मैं तो भूल भी गया ओके okay, इधर से जब भाई बड़ा लंबा रास्ता भाई ये तो चलो चलोगे चलते हैं फटाफट से क्योंकि हमारे पास है बुलेट एंड बुलेट भाई फुल स्पीड से जा जाती है भाई फुल स्पीड फुल स्पीड फु, फुल स्पीड है भाई हाँ गई फु, फुल फुल स्पीड थी फुल स्पीड फल चलिए अभी चलते हैं फटाफट से क्योंकि देखो कि अभी सिटी है बहुत दूर एंड मैं आप लोगों से पहले बता दे रहा हूँ जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है ना जिसमें हम लोगों ने तीन टेस्ट दिए थे एंड क्लियर भी करे थे वो ऊपर आई बटन में लिंक आ होगा देख लेना कहीं जाकर ठीक है क्योंकि बहुत ओसम वीडियो आप लोग को पूरा मज़ा आने वाला है ठीक है वेल हमारा जो है भाई मेरे को रास्ते ही ध्यान नहीं है तो मैं तो भाई भगाने वाला हूँ भाई बाइक को शायद ये वाला ब्रिज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्रॉस किया था तो शायद यही होगा हमारा मेन रास्ता यस इस यही है शायद हाँ ओके हाँ यही है क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा भुगट्टी का सीन हो गया था भाई हमारा मतलब समझ रहे हो बुगाटी गाड़ी का सीन हो गया था भाई ऊपर तक जाना पड़ेगा कहीं इस दे और भाई मैंने कट भाई साहब ये जंप पड़ जाती यार कुछ भी बोल लो चलो अभी चलते हैं ये भाई ऑफ नहीं करनी मामे अच्छा शायद कुछ चैकिंग वैकिंग का सीन है शायद रोक ली भाई बंदे ने गाड़ी मैं भाई मैं तो भाग रहा हूँ मुझे मत रोकना बस मुझे निकलने तो इधर से सो अभी ऊपर जाना है एंड सबसे पहले तो यार मेरे को एक मतलब क्लियर वे चाहिए होगा इधर से चले इधर से चलते हैं भाई मैं कभी भी इधर वाले रास्ते से कभी नहीं गया हूँ आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मोस्टली वो वाला रास्ता लेता हूँ ये वाला तो मैं मतलब रेयरली अभी तक तो लिया भी नहीं है बल्कि रेयरली गई अभी तक मैंने ये रास्ता चूज ही नहीं किया जाने के लिए कहीं पर भी मैं मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ लेके जाने वाला है वेल ओके ब्रिज ओ भाई आराम से भाई लेफ्ट में गिर जाता मैं अभी पूरा नीचे जाता एकदम से ओके एंड अभी भाई सिटी सीधा है भाई कितना लंबा रास्ता भाई मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया अच्छा ऊपर है तो वो रिस्टी गाइज ओके हाँ मैं इस रास्ते से नहीं आया हूँ मतलब ये पीछे से था बट हाँ इस पे से गया हूँ मैं वो आगे मतलब इस रास्ते से मैं आगे तो गया हूँ अबे भाई मेरे ऊपर क्यों चढ़ा दी चल अब मैं आपको ये ले लेकर चल रहा हूँ ऊपर तक की लिफ्ट है फिर मैं ए उतर भाई मेरी बाइक स्लो चल रही है वो भाई वो भाई नजरे कर ली भाई आंटी ने बल अभी हम लोग को ऊपर जाना है एंड भाई एक सेकेंड अच्छा हाँ ठीक है सो गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं ऊपर एंड अभी मुझे देखना है क्या क्या हम लोग को जाति खुशखबरी मिले कि हम लोग को कार दे दी जाएगी कि तुम मतलब परफेक्ट पुलिस मैन बन गए हो एंड तुम अपने योग कर सकते हो भाई भाई मैं तो सबसे पहले बता रहा हूँ गाड़ी ऐसी भगाऊँगा ना सायरन लगा के ऐसी भगाता चला जूँ भाई रोकूंगा ना कहीं पर जहाँ भी गुंडा गिरी दिखी ना भाई ठोक दूंगा भाई भाई मजाक सट कर ठोक दूंगा भाई मैं <laughs> तो चलिए गाइस मैं आ गया हूँ सिटी में एंड सामने होगा हमारा पुलिस स्टेशन लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ इसी टाइप से इधर से एंट्री ली थी आई थिंक सो वेल ओके यहाँ पे पुलिस मैन खड़े हैं भाई अंकल किधर है भाई अगे तो सामने तो है हाँ वो रहा वही है क्या ये हाँ हाँ ये है गए जो के हम लोग आ गए एंड भाई भाई दो दो पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं वही बड़ी वाली ठीक है सो लास्ट टाइम गरीब थे तो हम लोग एक वैसी मतलब ड्रेड बाइक पाए थे एंड इस बार हम लोग भाई पार्किंग में लगाने वाला हूँ भाई प्योर एंड चले गए फटाफट से मैं अंदर जाके कमिश्नर साहब से बात करके आता हूँ अपनी जॉब के बारे में ओके गए मैं आ गया हूँ बात करके एंड जो कमिश्नर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी ये वाली गाड़ी नहीं मिलेगी उससे पहले तुम्हें दो टेस्ट और क्लियर करने हैं भाई मतलब टेस्ट ही टेस्ट लोगे क्या मतलब यार इतना तगड़े टेस्ट ले लिए एक तो तीन तीन बल्कि इस वाले टेस्ट कोई मतलब सिंपल टेस्ट नहीं होने वाला है ठीक है मैं पहले बता दे रहा हूँ देखो आप लोग देख पा रहे हो मेरी गन में ज़्यादा एम नहीं है ठीक है इस वाली में देखो इसमें तो जीरो ही है इसमें केवल तीस और तीस है यानी कि और इसमें भाई तीस साठ है ये स्कोप वाली गन है बट और इसमें तो भाई इसके हम लोग काउंट नहीं कर सकते मिनी गन भी नहीं और आर भी नहीं तो हम लोग को क्या करना है ना कहीं इसमें बता दे रहा हूँ इससे उतरते हैं सो तो जितने भी बंदे यहाँ पे हैं ना इनको मुझे मतलब जो फर्स्ट मिशन है उसका नाम ही ये है लेस एम मोर एक्यूरेसी मोर किल्स मतलब समझ रहे हो मतलब एमओ तुम्हें कम मिलेंगी एंड तुम्हें किल्स ज़्यादा करना है एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होनी चाहिए ठीक है अगर एक बंदा चार गोली में मरता है तो पाँच गोली में मैक्सिमम मरना चाहिए ठीक है एंड भाई मेरी एक्यूरेसी भाई आप लोग को भाई 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 पूरी ओके कैसे ये पड़ी पूरा बॉडी शॉट चोटते भाई पूरे के पूरे एक दो इनमें से बल्कि हेड चोट भी था अब मैं इनको मार सकता हूँ क्या हाँ हाँ मार सकते हो भाई ओ भाई इसमें भाई ज्यादा गोली लग गई सत्रह गोली बची है बस मेरे पास अभी ओके एंड बूम आंटी जी उतरो भाई इसमें एक्यूरेसी कम रह गई मेरी मुझे लग रहा भाई दिख रहे डंग उतरो अंकल ओके रुको ओके नहीं अंकल मैं जो भर्ती दे रहा हूँ भर्ती आप नहीं मार सकते मुझे भाई मेरे को भागना पड़ेगा क्या भाई ये क्या सीन हो गया अबे ये वाला टेस्ट नहीं था था तो ये टेस्ट भाई ये तो मोर एमो लेस किल्ज और वो हो रहा भाई लेस एक्यूरेसी भाई गड्डी में बैठो हाँ तो कैसे मैं बता रहा था कि इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब तुम बस मारते जाओगे एंड सब मतलब मरते जाएंगे तुमसे तुम्हें लिटरली इसमें तीन चार रूल्स होंगे कि मतलब तुम्हारे पीछे पुलिस भी पड़ेगी तुम्हें वो तुम्हें चेस भी करेगी बट तुम्हें बचना है एंड गाड़ी से उतर के बंदूक से ही किल्स करने होंगे सो तो अभी मेरा जो टाइमर है वो यही है ढाई मिनट का और लग गया है सो तो इससे ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने होंगे अभी मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ एक सेकेंड उतर अरे भाई मेरे को नहीं मरना मैं वैसे ही वन शॉट भाई ओ भाई यार बिल्कुल एंड टाइम पे रह गया वेल well, मेरी गन में एम भी नहीं थी गई वेल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जहाँ तक है हम लोग को ये वाला टेस्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं जल्दी से उसी सिटी में पहुँचता हूँ एंड फटाफट से आप लोगों से मिलता हूँ जो फर्स्ट टेस्ट था जिसमें हम लोग फेल हो गए थे बट येज गई हमें उसमें मतलब पास कर दिया गया है एंड जो सेकेंड टेस्ट है वो है गा ओनली फिस्ट नो वेपन एंड लिमिटेड टाइम सो so, आप लोग देख सकते हो कि अब मैं मारने वाला हूँ तो अभी से टाइम शुरू हो गया एंड भाई इसको मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा किल करने होंगे विद ओनली फिस्ट ठीक है सो so, आप लोग देख भाई नाम भी मतलब देख रहे हो कैसे कैसे टेस्ट है भाई ये तो मान लो कभी हमारा बंदूक में एम ओ फिनिश हो जाए तो हम लोग को ऐसा करना पड़ सकता है भाई तो फिस्ट से भी लड़ाई हो सकती है एंड वो उसमें मैटर नहीं करेगा कि तुम कॉम्बोज से मार रहे हो डायरेक्टली या फिर बस हिट हेट कर रहे हो बस उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बस तुम्हें किल्स ज़्यादा चाहिए होंगे एंड हम लोगों ने एक गुंडे को यहाँ पर निपटा दिया एंड भाई सेकंड ईयर आ अंकल आओ इधर ओके बस यार भाई ये लड़े भाई दूर ना भाग्यो अगर भागेगा तो मैं भागा भगा के मारने लो क्योंकि इस गुंडे जो है भागते भी हैं सो उन्हें मारने के लिए हम लोग के पास स्टेमिना होना चाहिए एंड हम लोग के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उनको मार सकें ईजिली ठीक है अभी ये देखो भाई, भाई भाग रहा है ना भागते भागते के दिया मैंने एकदम ये एकदम से गिर गया ये लड़खड़ा के गिरा भाई एंड ये दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा है इतने उसको बुला लेते हैं चाचों को आ भाई तू भी आ भाई आ भाई नहीं भागने नहीं दूंगा बेटा आओ वापस इधर हाँ ओनली फिश चैलेंज है ओके भाई नहीं वो दोनों मताओ यार एक साथ वो भाग गया मामी हट अब उसने गाड़ी तक हिला दी भाई okay, ओके हो भाई ये बढ़िया एकदम मूव था वाले ये मुझे मार रहा भाई मेरे पास लिमिटेड टाइम है भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मारने मानने एटलीस्ट पाँच तो मार रहे हैं एंड आई थिंक जो तो तीस रही है भाई ओ भाई सौ पटकी लगी इसको तो भाई वे यार ये जो गैंगस्टर्स होते हैं ना कहीं जिनकी एच पी बहुत ज़्यादा होती है भाई इसीलिए जल्दी से नहीं मरते हैं ओके वेल अभी देखो मैं फुल ट्राई ऑन करने वाला हूँ वेल पुलिस बस यार ये पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं यार ये गलत है बस ये नहीं होना चाहूँ भाई कहाँ पे धर दिया मैंने इसके ओके भाई रुक जा हाँ ठीक है गया अब भी तो गया, गया, गया ये पूरा भाई जहाँ तक है गया ये अभी अब भी बच गया भाई क्या बंदा है यार ये ओके ओके भाई वापस ओ भाई सो इस बार तगड़ा मुंह पड़ा अंकल देखो मुझे मत मानना सर सर मैं मैं बंदा हूँ सर मैं आपका ही बंदा हूँ सर अरे अंकल क्यों मार रहे हो मुझे इधर आ जाओ तो सो गाइस जब मेरे पाँच किलो होने वाले एंड आई थिंक सो लाइक वन मिनट से ज़्यादा मुझे हो गए इन्हें मारते मारते हैं एंड तीन मिनट का टाइम है पाँच किल करना है सो so, मैंने चार किल कर दिया एंड अब भी बस ये लास्ट किल होने वाले हैं दो आखिरी के मतलब दो किल हो जाए ना भाई अरे भाई एक ना पटकी मार दे दोनों तो दोनों भाई तीनों आएंगे अब भाई छः किल हो जाएंगे मैंने छः किल नहीं करना है ओके okay, मैं एक एक करके लिपटने वाला हूँ भाई सब पे हाँ चलो अब भी भर दूंगा भाई मैं इनको अभी भर सकता एक पटकी लग जाए भाई किसी को भी सही बता रहा हूँ दोनों जाएंगे अगर एक को भी गए मैंने पटकी धर दी ना सो तो एक तो भाई मतलब कुछ सेकेंड के लिए आउट हो जाएगा एंड दूसरे को भाई मैं एकदम भर दूंगा ओ भाई टाइम ओवर होने वाला है गई मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि टाइम ओवर होने से पहले पहले मैं ना मार पाऊँ इन्हें ओ यार मत मारो ये हाँ गया ये वाला तो गया नहीं ये नहीं गया अभी ओके तो इसको देखो ट्राई करते हैं लाइक ओके भाई कैसे हजार एच पी लेके हो क्या भाई बैठे हो क्या तुम लोग नहीं भाई हजार एच पी है भाई इन लोगों की मेरी एच पी देखना जरा ओके okay, एक गया एंड आखिरी है भाई ओके okay, मेरा टाइम जस्ट एक दो तीन दस सेकंड का टाइम है बस मेरे पास ओके okay, नहीं नहीं भाई मर जा वो मर जा हो है ओ भाई मेरा टाइम ओवर हो गया एंड प्लीज़ कह दो कि मर गया भाई मर गया नहीं भाई मेरा ओवर टाइम हो जाएगा बस पाँच सेकेंड बची हैं पाँच चार तीन ओ गया भाई एंड की दो सेकंड से मैंने इसको मार दिया एंड ये अपने दोनों टेस्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं जो कि मतलब मोस्ट डिफिकल्ट अभी तक के सबसे डिफिकल्ट टेस्ट थे क्योंकि तुम्हारे पीछे पुलिस भी पड़ने वाली है एंड तुम्हें क्या करना भाई अपने आप को मतलब छुड़ाना भी होगा पुलिस से मतलब एस्केप करना होगा एंड यू नो तुम लोग को बीच बीच में रुक के भी किल्स करने होंगे सो मैंने वहाँ पर ट्राई किया था बट मेरी हेल्थ इतनी लो थी कि मैं बस वन शॉट था तो so, इसलिए वो बंदे ने मुझे मार दिया था बट उस टेस्ट में हम लोग इसलिए सेलेक्ट हो गए क्योंकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी रही एंड हमारे ऊपर फोर स्टार पुलिस लगने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे लड़ते रहे एंड हम लोगों ने सबको मारा सो so, इसलिए हम लोग वहाँ पे तो हमारा टेस्ट पास हो गया था एंड ये वाला भी मे भी टेस्ट पास हो गया होगा सो so, मैं अभी बस जल्दी से जाता हूँ एंड कमिश्नर साहब से बात करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं भाई आखिर क्या हुआ है मैं बात करके आ गए तुम्हारा भाई जो है मतलब हम न्यूट्रल ये बन गया है प्योर पुलिस मैन सो so, अब भी भाई हम लोग को पुलिस मैन के नाम से पुकारा जाएगा इस शहर में एंड पुलिस हमारे पीछे नहीं लगने वाली है क्योंकि हम भी अब पुलिस में हैं बट हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पीछे पुलिस पड़े सो so, अब भी हम लोग पुलिस मैन बन गए हैं सो so, यही चीजे था भाई आज की वीडियो का मेन टारगेट यही था तो चलिए इस बस आज हाँ की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आने वाले वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले एंड आप लोग सबसे पहले देखने भी आओ एंड यस गाइज वीडियो जो लाइक like भाई आप लोग पता है व्यूज तो दे रहे हो मतलब बंदे देख रहे हो बट लाइक बहुत कम कर रहे हो तो लाइक भी कर देना एक उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की तो क्या बस गाइज आज वीडियो इतना ही मिलते आपसे कल की नई वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय